अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ थ्री टूल्स के बारे में। एक है हमारे पास रेजर टूल, जो कि आपके सामने मैंने अलग से इसको कर दिया, रेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। जैसा कि इनके नाम से भी पता लग रहा है, ये जो है कटिंग के लिए टूल यूज होते हैं, चीज़ों को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह आम लाइफ में रेजर टूल हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आप पेंसिल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो या कुछ भी करते हो, उसको रेजर से मिटाते हो, तो सेम टू सेम इस टूल का इस्तेमाल जो इलस्ट्रेटर में है वो सेम है। और साथ ही नेक्स्ट टूल के बारे में, सीजर टूल के बारे में, सीजर के नाम से ही पता लगता है कि सीजर है, ये कट करती है चीज़ों को, और नाइफ टूल भी इसे ही होता है। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट करें कि मैं एक बॉक्स लगा लेता हूँ और इसको ब्लैक कलर ही रहने देता हूँ। डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले हमने बॉक्स ले लिया, बॉक्स हुआ रेजर टूल, आपने सिलेक्शन कर लिया सिलेक्शन टूल से। देन आपने कोई भी इसको मूवमेंट करेंगे तो ये चीज़ अरेस हो जाएगी। जब आप साइड पर क्लिक करेंगे फिर दोबारा ये देखेंगे, देखिए ये ऑप्शन आ गया आपके पास। ओके, फिर दोबारा मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, रिजर्ट टूल जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी। अगर आप इसकी राउंडनेस इस हिसाब से रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं कि कितना रिजर्ट टूल राउंड हो। ओके, इसका एंगल आप रख सकते हैं, एंगल आप इस तरह भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इधर से भी मूवमेंट करके इसका एंगल सेट कर सकते हैं कि किस एंगल में आपने रखा है। उसके बाद जो साइज है, आपने कितना बड़ा करना है इसका, कितना छोटा करना है, वो सब आप इससे कर सकते हैं। डबल क्लिक इसको पे करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी। मैं दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएगी रिजर टूल की। सर्च करें, हम लोग इसकी राउंडनेस बिल्कुल गोल रखते हैं जो कि रेजर की होती है। इसके एंगल इस तरह रख लेते हैं और इसका साइज इतना रख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, इस स्ट्रोक के मुताबिक क्या डिफरेंस आता है। बस करिए स्ट्रोक हम देखा है, ये देखें ये राउंडनेस से स्ट्रोक दे रहा है, और वो जो दे रहा था लिटिल बिट मीन्स के उसकी राउंडनेस मैंने कम की थी तो उस हिसाब से दे रहा था। ये चीज़ हम लोग इन सब शेप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सर्कल में अप्लाई करके दिखाता हूँ। बस करें ये सिलेक्ट कर लिया, आप उसका डायमीटर उस तरह भी कम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास मैथ्स में ऑप्शन आती है मीडियम ब्रैकेट की। मीडियम ब्रैकेट जब आप लेफ्ट साइड वाली मीडियम ब्रैकेट करेंगे तो स्मॉल होगा, राइट साइड वाली करेंगे तो रेजर का साइज बड़ा होगा। मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट क्लिक करके ये मैंने बना लिया। अगर आप इसको चाहें आप अलग भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इसी तरह रहने दें, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट रेजर टूल का यूज मैं आपको सिखाऊंगा टेक्स्ट पे क्या अफेक्ट करता है। आर्टिस्टिक मेंटोर, ओके, सिलेक्शन में कर लेता हूँ। अरेबिक सिलेक्ट हो गया, इसको इंग्लिश में नोट कर लेते हैं। ए ए आर, ओके।
रेजर टूल है, अगर आप इसको डायरेक्टली इसको यूज करना चाहेंगे तो ये आपको आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि ये यूज नहीं हो सकता इस पे डायरेक्ट। आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन इसको वेक्टर बना लेंगे, तब आप रेजर टूल को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में भी। और इसके लिए मैंने इसको वेक्टर बना लिया राइट क्लिक करके और क्रिएट आउटलाइन करके, कंट्रोल जी करता हूँ आपको दोबारा समझाने के लिए। ये आ रही होगी पास ऑप्शन क्रिएट आउटलाइन की, क्रिएट आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया, रेजर टूल पे क्लिक किया। अब ये देखिए ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किसी तरह भी इसको रेज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये मैंने लाइन लगा ली। ये देखें कितनी बारीकी सी, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग इसको मिटाना चाहें वो भी आप मिटा सकते हैं, मीन्स के जो चीज़ आप करना चाहें आप कर सकते हैं इसके साथ। टेक्स्ट अनग्रुप मैंने इसको किया, अनग्रुप जब करता हूँ तो ये देखें ये अलग अलग आपके पास ऑप्शन आ गए। अगर आप अलग अलग इसको करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं, कंट्रोल जी मैं कर रहा हूँ। ओके ये चीज हमने देख ली, ये है हमारे रेजर टूल का इफेक्ट। नेक्स्ट टूल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सीजर टूल। सीजर टूल जैसे मैंने आपको बताया ये भी क्रॉपिंग के लिए यूज होता है। प्रेस करें, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एग्जैक्ट बॉक्स आएगा, अदरवाइज आप आराम से किसी भी तरह बॉक्स लगा सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक बॉक्स लगा लिया। ओके नाउ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल के साथ, एक क्लिक मैंने इधर कर दिया और एक क्लिक इधर कर दिया। ये देखें जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये दोनों अलग हो गए हैं। साइड पे मैंने क्लिक किया एक लेफ्ट क्लिक, ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। ओके इसके आप इसको कैंची की तरह, सीजर को कैंची भी कहते हैं, कैंची की तरह आप इसको काट सकते हैं आराम से। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। यही चीज अगर आप सर्कल में देखना चाहते हैं तो आप सर्कल में भी इसको कर सकते हैं। ये चीज मैंने कर ली, रेड सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट कर लिया, सीजर पे क्लिक किया, एक इधर क्लिक कर लिया, एक इस जगह क्लिक कर लिया। ओके ये देखें ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। ओके नेक्स्ट जो टूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल ये बना हुआ है, नाइफ टूल से आप किस तरह चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल ले लिया। नाइफ टूल से कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको, नाइफ टूल पे क्लिक किया, सिलेक्शन पहले इसकी करनी है हमने, सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन की, नाइफ टूल पे क्लिक किया। जिस तरह आप चाहें इसको मूवमेंट करवा सकते हैं, बस करें ये हमने मूवमेंट करवा ली। ओके साइड पे क्लिक किया, ये देखें इस तरह आपको समझ नहीं आ रही होगी, साइड पे मैं कर लेता हूँ इसको। ये देखें आपने कई लोगोस बने हुए ऐसे देखे होंगे, वो सब इसी का कमाल है नाइफ टूल का। सो मैंने इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बनाना सोचा कि इसका अलग से ट्यूटोरियल बनाया जाए, पर मैं दूसरे चीज़ों की तरह दूसरे टूल्स की तरह इकट्ठे करके मैं बता सकता था, लेकिन ये टूल अलग से मैंने इस वजह से आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं समथिंग क्रिएटिव बनाते हैं। बस करें कि मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल में नाइट टूल मैंने इस्तेमाल किया एक इस तरह, एक इस तरह। ओके ये हमारे पास थ्री शेप्स बन गई। इसको लिटिल बिट अप कर दिया एक सिलेक्शन करके, एक डबल क्लिक ऊपर नीचे, ये आ गई हमारे पास शेप।
इस पे ग्रीन कर देते हैं प्रेस करें, इस पे ब्लू कर देते हैं, इस पे डार्क ब्लू कर देते हैं। ये देखें कितनी जबरदस्त सी शेप हमारे पास आ गई। नेक्स्ट यही टूल मैं आप टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, ओके, नाइट टूल पे सिलेक्ट किया। ये देखें मैंने डायरेक्ट अप्लाई करने की उसकी नहीं हो सकता, इस तरह से सबसे पहले इसको मैं क्रिएट आउटलाइंस कर लूंगा, इसको वेक्टराइज बना लूंगा। देन जब मैं इसको क्लिक करूंगा एक स्टाइलिश से शेप से, तो ये इसको क्रॉप कर देगा। ओके, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। ये हमारा टी थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये हमारा ई आ गया, ये हमारा एक्स आ गया, ये हमारा टी आ गया। ये देखना कितना जबरदस्त टूल है। कुछ और टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, आर्टिस्टिक मेंटर। ओके जी, इसको मैंने एक ऑप्टिमाइज कर दिया और ग्रुप कर दिया, ऑल को सिलेक्ट किया मैंने, नाइट टूल ऐसे भेज दिया। ओके, ऑलरेडी हमने अनग्रुप कर लिया था, सो डायरेक्ट सिलेक्शन करके इनको ये देखें, ये हमारे पास कितना जबरदस्त इफेक्ट आ गया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आर्टिस्टिक मेंटर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।